15 ओवर से पहले कासली की टीम ऑल आउट हो गई 95 रन के स्कोर पर। और इस बार बहुत ही शानदार तरीके से गेंद को खेला, वहां पर मिश्रित और 4 रन। पिछली गेंद पर एक शानदार फील्डिंग के जरिए 2 रन बचाए थे, लेकिन इस बार उनके हाथों को चीरती हुई गेंद सीधे फाइन लेग सीमा रेखा के पार हो गई 4 रनों के लिए। तो आदिल के बल्ले से पहला चौका, पहली बाउंड्री। ऑन साइड में गेंद को निकाल दिया, क्लिक कर दिया बहुत ही खूबसूरती के साथ, जावे चले आदिल के लिए गेंद और गेंद को निकाल दिया। इस बार फील्डर वहां पर मौजूद लेकिन नहीं रोक पाएंगे, एक टप्पा और फिर 4 रनों के लिए। शानदार शॉट आदिल जावासरिया के बल्ले से, और इन 4 रनों के साथ टीम का स्कोर अब जा पहुंचा 50 रन, 2 विकेट के नुकसान जावासरिया के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट, और इस बार गेंद को निकाल दिया लॉन्ग लेग सीमा रेखा की तरफ, कोई क्षेत्र रक्षक वहां पर नहीं था, और गेंद एक टप्पा खाने के बाद सीधे 4 रनों के लिए। बहुत ही शानदार शॉट यहां पर, कमजोर गेंद, शॉर्ट पिच गेंद थी, और गेंद को देखिए फील्डिंग यहां पर, और इसी प्रकार की फील्डिंग इस मुकाबले में करनी होगी आशीष शर्मा की। ये गेंद और गेंद को उठा के मारा, स्कोर लेके ऊपर छक्का, इस छक्के की सख्त आवश्यकता थी त्रिदोली टीम को। और आदिल जबासरिया के बल्ले से ये बहुत ही शानदार छक्का यहां पर देखने को मिला दर्शकों को, और इन 6 रनों के साथ टीम का स्कोर अब 66 रन 3 विकेट। एक बार फिर से आशीष की ये गेंद, आगे निकल गए, गेंद को निकाला ऑन साइड में बहुत ही खूबसूरती के साथ, 2 फील्डरों के बीच में से 4 रन, बहुत ही शानदार शॉट यहां पर, स्कोर अब जा पहुंचा 3 विकेट के नुकसान पर 70 रन आने वाली 24 गेंदे। और यही उसकी उनकी टीम को उनकी पारी से उम्मीद थी, उसी प्रकार की पारी अभी तक खेल रखी है कासली का खेमा, एक बहुत ही प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी। आदिल के लिए गफार की गेंद, और गेंद को उठा के मारा, स्कोर लेके ऊपर, ये लगा गेंद फेला, बहुत बड़ा छक्का यहां पर, जैसे ही आदिल के इलाके में ऑन साइड में स्कोर लेके ऊपर से 6 रनों की मोहर लगा दी, और इन 6 रनों के साथ टीम का स्कोर शाहिद और आदिल के बीच में निर्णायक साझेदारी इस सेमीफाइनल मुकाबले की। गफार की गेंद को उठा के मारा लोमान क्षेत्र में, एक और छक्का, जबरदस्त शॉट बल्ले के बिल्कुल जमीन पर, जीतने के लिए अब एक और गेंद को उठा के मारा लोमान क्षेत्र में, एक और छक्का, लगातार दूसरा छक्का यहां पर आदिल जबासरिया के बल्ले से, 2 लगातार छक्कों की मदद से 21 गेंदों में 44 रन के निजी स्कोर पर पहुंच गए, और किरदोली ने बिल्कुल अभी दरवाजा खटखटा दिया है फाइनल का। जबरदस्त बल्लेबाजी इस ओवर में, 90 रन यहां पर, अब जीतने के लिए मात्र 6 रन बनाने हैं आने वाली 19 गेंदों में। और लीजिए एक और यहां पर छक्का, लगातार तीसरा छक्का, और इन 6 रनों के साथ 50 रन भी आदिल जबासरिया के पूरे से उनकी तरफ से, लगातार छक्कों पर 500 रुपए का उनको नगद पुरस्कार दिया जाएगा, और श्री राजेंद्र जी पूनिया जी की तरफ से भी 500 रुपए, मैनेजमेंट की तरफ से 250 रुपए, तो बालाजी पेंट हाउस की तरफ से 100 रुपए, तो तकरीब सुरेश जी की तरफ से 100 रुपए। मैं सूचना दे दूं सबको कि आज शाम को सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा जाजोद सलीम वर्सेज खीमसर चूरू